रीवा जिले के सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा उजागर किया गया मध्य प्रदेश के 1148 पंचायतों में बहुचर्चित कराधान घोटाला एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े पर रीवा जिले के गंगेव जनपद की 22 पंचायतों को क्लीन चिट देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा सीईओ जिला पंचायत कार्यालय रीवा में लगाई गई एक आरटीआई में 4 मई 2022 के पत्र क्रमांक 2644 का जिक्र करते हुए बताया कि कराधान घोटाले की जांच के बाद उन पंचायतों को धारा 40(92) की जारी की गई वसूली नोटिस समाप्त किए जाने के संबंध में प्राप्त नोट शीट और आदेश की प्रति में जनपद पंचायत गंगेव की ग्राम पंचायतों दुबई खुर्द संसारपुर कटहा सिदहा लौरी खुर्द अगडाल बांस सिसवा खरहरी चौरी टिकुरी 32 परासी बसौली नंबर 2 अकौरी पचोखर मदरी तेंदुआ कोठार रघुनाथगंज पनगड़ी कला बेलवा कुरमियान पूर्वा 310 हिरुडी कुल 22 पंचायतों को सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े के द्वारा निर्दोष सिद्ध कर दिया गया और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि रीवा जिले की 75 में से मात्र 38 पंचायतें तो सिर्फ गंगेव जनपद की थी। 38 पंचायतों में से 22 पंचायतों को क्लीन चिट दिए जाने के बाद मात्र 16 पंचायतें ही बची हुई हैं, जिनमें देखना होगा कि इन पर क्या कार्रवाई की जाती है या फिर इन्हें भी क्लीन चिट दे दी जाती है। जिस प्रकार से जिला कलेक्टर के द्वारा जारी 2 पत्रों में अलग अलग करारोपण और कराधान की जाँच में दोषी पाया जाना और इसके बाद संभागायुक्त के द्वारा गठित संभागीय अधिकारियों की टीम के द्वारा भी दोष सिद्ध पाया जाना और फिर से सीईओ जिला पंचायत जो कि कलेक्टर और कमिश्नर से कनिष्ठ अधिकारी की श्रेणी में आते हैं, इनके द्वारा उक्त पंचायतों को क्लीन चिट दे दिया जाना जांच और कार्रवाई को प्रश्न के दायरे में खड़ा करता है। आगे जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने बताया कि एक लंबे अरसे से सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहित जिले के कई लोगों ने मोर्चा खोल रखा है, जिसमें गौशाला में हुए घोटाले कराधान घोटाले में क्लीन चिट दिया जाना इन्हीं के कार्यकाल में ही एलईडी लाइट घोटाला होना और इनका मूक दर्शक बने हुए बैठे रहना साथ में ऐसे कई मामले जिनमें 40(92) की नोटिस के बावजूद भी दर्जनों पंचायतों में कार्रवाई का ना होना जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कराधान घोटाले का उजागर सितंबर अक्टूबर वर्ष 2019 में हुआ था, जहां 300 करोड़ रुपयों का कराधान घोटाला आरटीआई के माध्यम से उजागर किया गया था, जिसमें प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से सुनवाई की थी। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े सहित 3 अन्य जनपद सीईओ पर 25-25 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। रीवा जिले में 75 पंचायतों में कराधान घोटाला हुआ था। वास्तव में देखा जाए तो मध्य प्रदेश की 1148 पंचायतें थी। गंगेव जनपद की 38 ग्राम पंचायतों में इसकी शिकायतें की गई और शिकायतों में बिंदुवार 17 बिंदुओं पर जांच मांगी गई। 3 स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। करारोपण, जो पंचायतें कर लगाती हैं और उसके एवज में सरकार उन्हें परफॉर्मेंस ग्रांट देती है। दूसरा, जो राशि आई परफॉर्मेंस ग्रांट, उसका बंदरवाड़ कर दिया गया किसी शिव शक्ति ट्रेडर्स और अन्य के खाते में डालकर बिना मनरेगा कन्वर्जेंस की। तीसरा स्तर पर घोटाला, जो कार्ययोजना तैयार की गई उनमें से कई काम पहले से थे और उन्हीं कार्यों को नया बताकर किया गया। फिर एक चौथा भी कि उन कार्ययोजनाओं के आधार पर जो कार्य किया गया वो गुणवत्ता विहीन है और उनका सही पूर्ण मूल्यांकन बताया गया। दोषियों में प्रमोद ओझा जो तत्कालीन जनपद सीईओ, बालेंद्र कुमार पांडे और साथ में राजेश सोनी लिपिक, जिनके विरुद्ध शिकायतें की गई और वो 38 पंचायतों के जो सरपंच सचिव थे वो, जिनके विरुद्ध शिकायतें की गई उन्हीं को इसमें उन्हीं से बयान लिए गए। जिन पर चोरी का आरोप है डकैती का उन्हीं से बयान लिए गए, वह स्वाभाविक तौर पर कहेंगे कि हमने चोरी डकैती नहीं की। पूरा का पूरा जांच प्रतिवेदन अभी अभी आया है। सीईओ जिला पंचायत रीवा श्री स्वप्निल वानखेड़े के अंतिम सिग्नेचर के माध्यम से आरटीआई से प्राप्त हुआ है। इसमें 22 ग्राम पंचायतों को कार्ययोजना के आधार पर किए गए कार्य की पूर्णता प्रमाण पत्र दिए जाने और उन्हें उस मामले में क्लीन चिट दिए जाने का भी मामला सामने आया है।
धारा 40 की SCN जो जारी की गई थी उनको भी वापस कर लिया गया। तो ये स्थितियाँ हैं वर्तमान में इसकी। लोकायुक्त को मामला भेज दिया गया है जांच प्रतिवेदन। हमारा इसमें सिर्फ यही कहना है कि यह त्रुटिपूर्ण जांच प्रतिवेदन है, पक्षपातपूर्ण है। जिन पर आरोप है उन्हीं के माध्यम से जांच करवाया गया है, उन्हीं के बयान लिए गए हैं। और यदि राशि का बंदरबांट हो गया था तो उस राशि के अगेंस्ट में कार्य योजना बनाकर कार्य किए जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। राशि सीधे धारा 40 की कार्यवाही करते हुए राशि सीधे वापिस करवाई जानी चाहिए थी, जो नहीं हुआ है। धन्यवाद। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि करधान घोटाले का मसला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है और इसके बावजूद इस मामले पर लिपापोती करके 22 पंचायतों को जांच ना करते हुए क्लीन चिट दे दिया गया है। इस मामले में उन लोगों के बयान भी लिए गए जिन पर प्रकरण पहले से दर्ज थे। जिला प्रशासन के द्वारा की गई यह कार्यवाही सवालों के घेरे में है। इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा AB खरे और पंचायत राज अधिकारी RK सिंह के द्वारा जांच के दौरान आरोपी CEO जनपद गंगेव प्रमोद ओझा, पंचायत इंस्पेक्टर बालेंद्र पांडे और निलंबित बाबू राजेश सोनी के बयान लेकर ही मामले की लिपापोती कर दी गई है। जबकि जांच में शिकायतकर्ता की उपस्थिति और उसका बयान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस मामले में शिकायतकर्ता से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया गया।